कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस मिलने के बाद भारत में 4 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन भारत में पाए जा रहे कोरोना के नए स्वरूप डेल्टा पर असरदार है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका की वैक्सीन फाइजर को डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर माना गया है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन के बाद अमेरिका के लिए भी खतरा बन रहा है। शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने चेतावनी दी है कि यह वेरिएंट अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अन्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर कोरोना का ये रूप ऐसे ही फैलता रहा तो साल के आखिर में एक बार फिर से अमेरिका को महामारी के बढ़ते मामलों का सामना करना पड़ेगा। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद भारत से दुबई की उड़ानें बुधवार को शुरू हो रही हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए दुबई ने भारत से आने वाले यात्रियों के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है। यूएई में मान्य वैक्सीन की 2 डोज ले चुके सिर्फ वैध निवासी वीसा धारक यात्रियों को ही एंट्री मिलेगी। यूएई में फाइजर, कोविशील्ड, सिमोफार्म और स्पुतनिक वैक्सीन सरकारी तौर पर मान्य है। भारत में अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन जल्द आ सकती है। फाइजर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एल्बर्ट बॉर्ला का कहना है कि वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है। उन्होंने कहा, उन्हें उम्मीद है कि भारत के साथ जल्द ही समझौते को अंतिम रूप देंगे। इससे पहले खबरें आई थी कि भारत को फाइजर की वैक्सीन के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के स्थान को जानने के लिए पिछले दिनों अमेरिका ने जांच की। इसमें चीन की वुहान लैब में इसकी उत्पत्ति की आशंका से इनकार नहीं किया गया है। हालांकि चीन शुरुआत से ही इस बात को नकारता आ रहा है। इसके साथ ही चीन ने अपनी कोरोना वैक्सीन को भी कारगर बताया था। अब चीन की इसी कोरोना वैक्सीन की सच्चाई सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार जो देश चीन की इस वैक्सीन पर निर्भर हैं, अब उनमें कोरोना केस की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने दोस्त के लिए विशेष तौर पर 27 जून को आ रहे हैं कानपुर देहात। राष्ट्रपति खुद अपने बीमार दोस्त से मिलने कानपुर देहात पहुँचेंगे। कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे ही राष्ट्रपति के आने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि राष्ट्रपति दोस्ती के खातिर उनसे मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। पूरे देश में 21 जून से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले ही दिन एमपी ने वाहवाही लूटी। दावा किया गया है कि पहले ही दिन करीब 17 लाख लोगों ने टीका लगवाया। ये पूरे देश में उस दिन हुए वैक्सीनेशन का 20% था। इंदौर 2 लाख से ज्यादा टीकेकरण लगाकर नंबर 1 रहा। लेकिन अब जबकि 3 दिन के आंकड़ों पर गौर किया गया तो इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं। नेहरू गांधी परिवार के चर्चित सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की आज पुण्यतिथि है। 23 जून 1980 को जब वे दिल्ली में एक छोटे ट्रेनिंग विमान को उड़ा रहे थे तभी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें संजय गांधी का निधन हो गया था। उन्हें लेकर तमाम चर्चाएं अब तक होती हैं। 70 के दशक में जब देश में आपातकाल घोषित किया गया था तब वो ताकतवर शख्स बनकर उभरे थे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की ट्विटर से छुट्टी हो गई है लेकिन अब भी वह दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न मुद्दों पर बयान देती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंडिया नाम को गुलामी की पहचान बताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के नाम को बदलने की बात कही है। कुआप पर ये बात कहने के बाद कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर किया। शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ खुले। एनएससी निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर 15,862 पर खुला। वहीं बीएससी सेंसेक्स की भी शुरुआत स्ट्रांग रही। यह 324 पॉइंट की मजबूती के साथ 52,912 पर खुला। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।